साथ ही साथ जो आज कुछ लोग मिल रहे हैं दिल्ली में अलायंस के नाम पे, उनके बारे में भी, तो उनका मकसद यह है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना। और लेकिन हमारे जो हम सब जो बैठे हैं, तो हम लोगों को कहा, हमारा विचार है मेक भारत, भारत का भविष्य उज्जवल बनाना, ये हमारा उज्जवल भविष्य का ये हमारा सोच है। उज्जवल भविष्य के लिए, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हम जिएंगे और काम करेंगे, ये हमारा सोच है। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा में 2 दिन स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जो गए थे उसके बारे में उल्लेख किया। वाराणसी गए थे और उसमें भी जो सुखद अनुभव उनको हुआ और लोगों से बीच में जो फीडबैक लेने का अवसर मिला और बातचीत करने के लिए अवसर मिला, तो लोगों का विश्वास भी बढ़ गया है। लोगों का विश्वास देखे, द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, ये मुझे अनुभूति मिला, तो इससे भी हमारा विश्वास और बढ़ गया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बॉर्डर विलेज जो हम कहते थे, अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको नॉमिक्लेचर भी बदला है। वो तो है लास्ट विलेज था, अभी फर्स्ट विलेज किया है। इस बॉर्डर विलेज में आज एक उत्सव चल रहा है। वो उत्सव में भाग लेने के लिए धोर गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट है कच्छ में, तो उसके बाद ये गांव के बाद तो रेगिस्तान है, रेगिस्तान के बाद पाकिस्तानी है, तो इस बॉर्डर विलेज को, दिस ए बॉर्डर गांव को अभी बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। उधर रणोत्सव चल रहा है, वो रणोत्सव में भाग लेने का आह्वान उन्होंने किया है। सूरत डायमंड का जो बिल्डिंग बना है, वर्ल्ड बिगेस्ट ऑफिस, स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग, भारत में भी ऐसे बन सकते हैं, ये भी हमको बहुत ही गर्व की बात है, वो भी उन्होंने उल्लेख किया है। कमिल काशी संगम का उल्लेख उन्होंने किया है, उसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और पार्लियामेंट इंसिडेंट के बारे में उन्होंने उल्लेख किया, पार्लियामेंट इंसिडेंट के बारे में उन्होंने कहा, जो कुछ भी, जो भी व्यक्ति